अल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अपनी सोचों की हिफाजत करो, ये अल्फाज बन जाती हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करो, ये आमाल बन जाते हैं। अपने आमाल की हिफाजत करो, ये आदात बन जाते हैं, और ये आदात किरदार और किरदार मुकद्दर बनता है। सोच मुस्बत बनाने के लिए अकायद की हिफाजत करो, अल्लाह से जुड़ जाओ, कुरान तर्जमे से पढ़ो। हमारे अकायद जो होते हैं वही हमारे हमें बताते हैं कि हमें दुनिया में किस तरह से रहना है, सच का रास्ता इख्तियार करना है, सीधे रास्ते पे चलना है। तो प्यारे बच्चों, उर्दू पढ़ना सीख रहे हो तो तर्जमे के साथ कुरान को पढ़ो, पता चले अल्लाह क्या कह रहा है। ये रब्बे कायनात की तरफ से कुरान मजीद है। तो अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। आज हम 3 का टेबल करेंगे। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिर्फ बार बार जमा करना है, और हमें ये पता चलता है कि इस नंबर को कितनी दफ़ा जमा किया है। तो 1 × 3 इज इक्वल टू 3, तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6। आप देखें कि 2 दफ़ा आपने 3 को जमा किया और आपने स्किप काउंटिंग भी की, तो ये 1 और 2, 2, 3 जो है वो 6 पे आके होता है। और 3 × 3 इज इक्वल टू 9, तो आपने 3 को 3 दफ़ा जमा किया और फिर आप नंबर लाइन पे 3 की जंप लगाएंगे, थर्ड जंप, और वो 9 पे आके रुक रही है। तो 3 × 3 इज इक्वल टू 9, यानी 3 × 3 जो है वो 9 के बराबर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 4 × 3 इज इक्वल टू 12, तो आपने 3 को 4 दफ़ा जमा करना है, और आप देखें कि स्किप काउंटिंग में चौथी जंप है 3 की, तो वो 12 पे आके काट रही है। तो हम लिखेंगे 4 × 3 इज इक्वल टू 12। फिर है 5 × 3 इज इक्वल टू 15। आपने आपके पास 5 सेट हैं 3-3 बॉल्स के, और अगर आप 3 की स्किप काउंटिंग देखें तो 5वीं दफ़ा 3 जो है वो 15 पे आके रुकता है। तो हम कहेंगे 5 × 3 इज इक्वल टू 15, या 5 × 3 15 के बराबर है। फिर है ये 6 × 3 इज इक्वल टू 18, तो आपने 3 के 6 सेट लिए हैं, और आपने जो 3 है वो स्किप काउंटिंग पे 6ठी दफ़ा 18 पे आ रहा है। तो हम कहेंगे 6 × 3 इज इक्वल टू 18। अब है 7 × 3 इज इक्वल टू 21, तो आपने 3 के 7 सेट जमा करने हैं, और अगर आप स्किप काउंटिंग में देखें तो ये 3 की 7th जंप है, और ये किस पे आ रही है, 21 नंबर पे। तो हम कहेंगे 7 × 3 जो है वो 21 के बराबर है, या 7 × 3 इज इक्वल टू 21। ये है 8 × 3 इज इक्वल टू 24, तो आपने 3 ऑब्जेक्ट्स के 8 सेट बनाए, और आप देखें कि जो 3 की स्किप काउंटिंग है 8th time वो 24 पे आ रही है। तो हम कहेंगे 8 × 3 इज इक्वल टू 24। फिर है 9 × 3 इज इक्वल टू 27, तो आपने 3 ऑब्जेक्ट्स के 9 सेट जमा करने हैं, और अगर आप स्किप काउंटिंग में देखें तो 9th time जो 3 है वो 27 पे आ रहा है। तो हम कहेंगे 9 × 3 इज, या 9 × 3 जो है वो 27 के बराबर है। फिर हम 10 × 3 30 के बराबर करते हैं। हमने 3 को 10 दफ़ा जमा करना है, और अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो ये 10th जंप है 3 की, तो 10 × 3 इज इक्वल टू 30, या 10 × 3 जो है वो 30 के बराबर है। और इस तरह से आप जमा और मल्टीप्लिकेशन को साइड बाय साइड रखें तो ये पूरा 10th तक का 3 का टेबल है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।